हज्जत खुदा नबी ज़मान अलैहिस्सलाम माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीयका लहुज्जत इब्ने लहसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहिम व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि साते व फ़ी कुल्ले सात من سات الليل والنهار وليا وحافظا وكيدا وناصرا ودليلا وإن حتى تسكنه ورزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الزمان ادركنا ولا تهلكنا بحق جدتك سيدا مخدرا صلوات بسم الله الرحمن الرحيم يا كاشف الكرب عن وجه الحسين عليه السلام اكشف كربي وكرب المؤمنين بحق اخيك الحسين عليه السلام या बाबुल हवैज या हिजाबा उमल मसाइब अदरकनी फी सबीलिल्लाह बेहके अल्लाह इबादत कबूल फरमा अल्लाह जो मोमिनीन मरीज इन शिफा ता फरमा अल्लाह जो तंग दस्त इन रिज के हलाल ता फरमा अल्लाह जंदे बेटे कोइनी हयाती आले पुत्र अता फरमा कायनात दा मालिक जिन्हां दे हिन नसीब कर आजादार बेटे होवन आजादारी दा सिलसिला नस्ल च कायम उदायम फरमा हुण सारे मिलके अमीना खो बानियान दा खर्च कबूल फरमा बानियान दे मरहूमीन दे दर्जात बुलंद फरमा सगीरो कबीरा गुनाह माफ फरमा मेरे मालिक इन्हां को कहें दा मोहताज ना करी मेरे लखां दी हिक दुआए वारिस तो ज़हूर फरमा ज़ियारत दे काबिल बना ज़ियारत तुम शरफ फरमा दुआवां दी कबूलियत वास्ते सलवात पढ़ो सारे हजरात मौला दे बेहतरीन मदा पढ़ गया जी मेरे बाद ही सिलसिला जारी है सारी रवने जी बगैर किसी इंतजार दे तो जो है बाबा दुनिया ते वो बंदा कामयाब है जेड़ा बंदा अपना काम करेंदे मैं मजले शुरू कर ली थी जी बिस्मिल्लाह जी दुनिया ते वो बंदा कामयाब है सही जेड़ा अपना काम करेंदे अपनी ड्यूटी करेंदे मैं मेरी इज्जत है मैं जाकिर हाँ मैं आम हाँ मैं पढ़ा तो ता खुश हुए इतों देख के ते हट वजा जने काम नहीं किया जहनी तौर पर तुम मैं दुआ न करे बोलो काम अगर पूरी मेहनत कोशिश नाल किया वजे तो वह सारे दुआ करें मेरा काम है पढ़ना थोड़ा काम है सुनना तुस अपनी ड्यूटी करो बानियान की जी ड्यूटी अपनी कर रहे ते जिन्हां दे दर ते असा सारे कट्ठे हैं वो बोलन दे मोहताज नहीं उन्हां को तेरिया सोचा का पता है जी बिस्मत वजह है ना बाबा वो तेरी सोच को जान दें भाई तू क्या सोच आई तू कितों टुरे तू क्यों टुरे क्या सोच के टुरे क्या सोचेंदा बैठे ये मेरे 14 को पता है जी बिस्मिल्लाह एक अकीदा हो नहीं सकता किबला सही एक को अकीदा नहीं हो सकता
हिक घर दे विच भी हिक अकीदा नहीं। मैं ते को बड़ा मोतबर बंदा दस सकदा जेंदे घर दे जेने चार बेटे ते चार चार बेटा दा अकीदा वखरा वखरा है। और फिर क्यों जेड़ा बंदा है वो आम नहीं वाले में दीन है। और भर के उकू उस्ताद उल उलमा आखा वेंद उस्ताद उल उलमा दे चार बेटे एक अकीदे ते नहीं तो पूरी कायनात एक अकीदे ते कठी किवें थी सकती है। तो जय बाबा अकीदे दे मुताबिक ये है भी तू मैं को कुछ ना मैं तेको कुछ ना दा तेको क्या है मेरे अकीदे नाल जब मैं तेरा अकीदा ना पूछदा तू क्यों पूछदा है। मैं कड़ा तेरे को पूछो भी नमाज पढ़ी भी वो तेरी है फर्ज अदा ना करे से जलील थी से क्योंकि मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम पे फरमाते हैं बंदे को हजारा फिक्र होंदे हजारा फिक्र होंदे बंदे को हजारा फिक्र होंदे मैं अली पे आदा तू नमाज दा फिक्र कर बाकी फिक्र जाने मैं अली जाने जी बिस्मिल्लाह कितने किस्म दे इल्म हैं उलूम कितने असो गिनने संगदे लेकिन जे को अंगूठे लावण दा नहीं आंदा फतवे दा दा आंदे अंगूठा भी नप के लावण ए ई नला इथो नगी ई ला जे को अंगूठे दा नहीं आंदा फतवे दा आंदे डॉक्टर बंदा दे इलाज करंदे हकीम बंदा दे इलाज हकीम देसी ही ते एमबीबीएस भी ये दूहे बंदा दे इलाज करें दें ते ना ये दूहे हिक बे को देख ही नहीं सकते हकीम को वैसे तो आपको आखिर डॉक्टर को गया हम ही हूँ चेक किते पैसे कितने कितने और इतने टेस्ट देते इतने ये थे बस वाज पैसे पटवा तू ये सही तो मुंह दी जी मैं दी बैठा उन्हें को जरा गोलियां ते कैप्सूल च कि बैठे असा देसी कि बैठे हिन तो उए उन्हें को केड़ी शायद पता है हिकमत तो सारे कोले डॉक्टर को वो तू आके वाह भाई इन्ना कोल किदे गए उन्हें कोल केश पता नहीं पत्रे रगड़ी बैठे होंगे तू उत्थ वहां छुट्टा है करें दे दूहे इलाज बंद आंदे दूहे हिक भाई को देख नहीं सकते ये मलांग ते मुल्ला भी मुबल्ले गिन ये भी हिक भाई को नहीं देख सकते जी बिस्मिल्लाह तो जो है जी बिस्मिल नहीं पहली गलत है सारी सरेकी की मिसाल ऐसे पिनने को पिनना नहीं बांधा यानी एक पैमाने एक तो म्यार दसेंदा पे जेड़ा बंदा अपनी फील्ड आले दी तारीफ करे ना समझो बंदा वड़े ड्राइवर हो के ड्राइवरां दी तारीफ कर रही है समझो चंगा बंदा जाकिर हो के जाकरां दी तारीफ कर रही है समझो वड़ा बंदा आजादार हो के आजादारां दी तारीफ कर रही है समझो वड़ा आजादार है। बोलो जेड़ा फराख दिल होंदे ना जी बल्कि मोमिन जेड़ा होंदे वो तंग दिल होंदे ही नहीं सुनदे पे हो ना जी
क्योंकि तुम एक दसाओ सारा जो दुनिया से वा मरना है वा फसाद है जी चीज फसाद का मुंड है उनका ना रिस्क है मेरे मौला अली ही फरमान है ये रिस्क तो औलाद फितना है फसाद का मुंड ने दू चीज़ा रिस्क तो औलाद है फसाद इन्हां की वजह तो फसाद है रिस्क की वजह तो फसाद है इवें रिस्क देंदा कौन है अल्लाह देंदा वंडेंदा कौन है ना देव आए फर्क है ना वंडन आए फर्क है बत मैं क्यों कहें बुखल ना कहें बंदे नाल बुखल करा अगर मैं कहें बंदे की मुखालफत करा तो बत मैं कुमौला अली दे हाथ ते यकीन कोई नहीं जदा आवना मेरे अली दे हथों कहें जुरत मेरे अली को मेरा रिस्क खस गिने कोई नहीं खा सकता जी मेरे तो जरा मेरा रिज़्क खासी कोई नहीं सकता मैं क्यों करा कह ना चाहूंगा मैं इस किस्म की गल मिंबर से घट ही करेंदा अगर मेरी कोई मुखालफत करे मैं नौ ही कटा नहीं चाहे कोई मेरी डेट कटावे बिस्मिल्ला मैं ही कटा जोर ला तू किश है मेरा अली बहुत वड्डा है जेडे चुप कर गए अली कमजोर है बदाद क्यों घटे इंदे तो उत्ते थी या तले थी गए कोई में यकीन नहीं आता तो जाकर को फोन चक्कर जे तो चार मिलनी उन को पुछे तो नजम शाह करा तुम्हारे को पुछे मैं को मौला दी कसम इवें थी एक पास जो डेट कटी गई मैं उनकी डेट लिखी तो मैं वाला बे पास की गिद्दी नहीं तो गिंदे ने भी जी लिखी वह पढ़नी है जी उनकी वजह तो असं हर पास दी नगी दी जी एक दिन पहले हुआ कि मैडी कैंसर ले बस अमले आले उन्हें आके देखो सही थी हक बनता इतने फलान थी इतने ये थी इतने वो मैं आखो खुदा दे बंदे अकल है सारे सरदार कहना दे मालिक इंसान अजय वो कैंसर वाले फोन में रखे थे यहाँ गाल थे यो तो भैया फोन आ गए वो नियाज वो टाइम भाई डेट मिल गई है मैं क्या आओ रिज़्क वंडा डाला अली है अगर रिज़्क दे मामले परेशान है तो वत वंडा डाले ते यकीन कोई नहीं भी अगर वंडा डाले ते यकीन है तो फिर परेशान ना हो बोलो परेशानी होना चाहिए वंडा डाला हाथ एडा मजबूत है जो ऊकुआ अल्लाह है नहीं हाय वो वंडन वाला हाथ एडा मजबूत है अल्लाह है नहीं लेकिन उनको सदें दे इवें जो हाथ अल्लाह दे ते ओ इतना सोना दे दे ना अल्लाह नहीं आधे उकवाए नुल्ला है कुछ जाग दे पायो या नहीं इवें है ना सही यकीन कर चौदह ते फिर किसी मोड़ ते परेशान नहीं हो सकता मैंने बाबे जान दी अल्लाह जिंदगी करे अपनी जुमला फरमे दे रहा अब याद दे रहा भाई ये जिथा डेरे ते वनो जेड़े शहर वनो जिथा वनो लोग कन नपी बैठे ते आधा बैठे पे दुनिया बड़ी बेईमान है इवें होंदे मौला दे बहु चंगे जाकिर सैयद अभी भी हिफाजत फरमावे मालिक इज्जत कायम रखे सैन दस इज्जत कायम अस खुद रखनी होंगी है कई बंदे आते सही वक्त को जवाल है अकल तेरा जाते वक्त को क्यों जवाल है ये चौदह से चौदह तो खालिक जेड़ा शे देवे तो खास गिनते ओ खास नहीं गिनदा अस गलती है जो करें जो खसीज वेंद वो नहीं खसें बोलो वो जो देंदेन वो को संभाल के बंदा रखे तो वला नहीं गिनते लेकिन जितना वक्त हासिल करना मुश्किल है ना
बख्त हासिल करनी बड़ी औखी गल बंदे पता नहीं बख्त वास्ते बहुत कुछ ही करे भाई बख्त हासिल करना भी वड्डा औखा है सही लेकिन वो कुछ संभालना ऊं तो भी औखा है क्योंकि मेरे आका का फरमान है अगर इज्जत मकाम हिवी तो मैं अली पियादा दुखों वास्ते तैयार रहे चुप कर गए अगला जुमला सुन मेरा मौला अली पे फरमाते दुश्मन होंदे ही उही दिन जब इज्जत होवे इज्जत कहें हो सकती 14 के मनन वाले थोड़ी इज्जत क्या हो सकती बोलो मुखालफत लोग तैरी करें तेरी इज्जत बड़ी है आजादार की इज्जत बड़ी 14 के मनन वाले की इज्जत बड़ी इवें ना सही और सियाणा होंदा वो है जो 14 को मने पिछली मजलिस से मैं शायद अर्ज किया भाई अकल नेकी है बुराई बेअकली है हक नेकी है बातिल बेअकली है सच नेकी है झूठ बेअकली है बंदे आते सही ये बंदा तो वड़ा तेज है सही अल्लाह की कीते हूँ आखो जी फलां बंदे कोई चक्कर दिता सी 5 लाख छिक के भज गए बड़ा तेज है मैं जो एक तेज आखे चबा ले बाबा तेज तो वो होंगे जो 5 वक्त का नमाजी हो तेज तो वो होंगे जो कहेंदा हक न खावे तो अपने आप को बर्बाद की खड़े तू आते तेज है तू चुप कर गए तो मौला अली का फरमान पे सुने ना मेरे मौला फरमाते दो बंदे मैं अली कदा ही नहीं दिखे मौला केड़े सही फरमाते एक बंदा जुल्म करके अल्लाह को भज वे मैं नहीं दिखा दूजा बंदा वडे नहीं होवे ते मोहताज होवे मैं नहीं दिखा मेहरबानी जनाब तवज्जो है मजलसा में पढ़नी है ना जू गाना इतना ही पिछले साल अल नम पढ़ी ना क्यों उबाल आते हैं तो खुदा मजलसा ना ओ असल ये होंगे ना सी मैं तो कुछ सवा ना पत्ता ऊकू होंगे जैसे सिर ते होंगी है क्या ख्याल है जी बोलो मतलब मैं को आखे भी मैं आखो तो चाह द कप पी गई ना मैं पी गई मन के 10 मिनट तक मैं कवाला थे वो ठीक है मैं इतना पढ़ सी देखो असा चाह भी अपनी मर्जी तो नहीं पी सकते जेड़े वेले सम्मान दा रूह होवे बानिया दे उठी पढ़ जेड़े वेले खावन दा रूह होवे उठ मजलिस पढ़नी ये जेड़े दी सारी 5-6 मजलसियां वेनु डाडे सा रोटी कोने खांदे सही बंदा खाना खा के ना इतना सफर कर सकदा ना मजलिस पढ़ सकदा कोई समझ आई मेरी गल दी हां हां जेंदा भी बख्त होंदा ना उंदे पसे पर्दा रिएक्शन भी होंदा है इवें नहीं अगर चुप कर गए हो तो मौला अली पे फरमाते बख्त दुखां दा ना है मेरा चीवा का पे फरमाते ये बख्त दुखां नाल तोल के गिनना पौंदा है जितना बख्त उतने दुख सुनदे पे हो या नहीं कदा ना सोचे ये बख्त किबला सही जितना वधदा वञे मैं चेक कीता है वक्त जितना वधदा वञे ना बंदे दी खुराक घटदी वेंदी है इवें वक्त जो लगे जने को ते इवें वक्त दे अरूज चाहे डॉक्टर आखे हुण मिठा छोड़ दे ए वक्त ही ते वला वक्त दी बई सीढ़ी ते चढ़े वो कोंडा बाकी छोड़ दे
ये बख्त व थोड़े बिया वधो के रोटी छोड़ दियो ये बख्त भी बख्त जो वध है बंदे को 20 फुट दी दीवार है उतो बिजली वाली तार है ते गोलियां नींद वाली खा के समय वत नींद नहीं सांदी ये बख्ती ओए बख्त उ को आ दे जेड़ा गली च मंजी घते तुसे नींद पे वने कोई सुन दे पे या नहीं मेरे मौला दा फरमान है अमीर कुल गरीब 50 साल पहले जन्नत च वैसी क्योंकि गरीब दा हिसाब थोड़े जे को अल्लाह 100 दिता हिसाब ही 100 दा गिनसी जे करोड़ दिता हिसाब ही करोड़ दा हुन करोड़ वाला तक खड़े 100 वाले तक गए बोलो जदा नबियां नाल हिसाब है तू कौन है जुमला से जुमला आखा इस सारे नबियां चो जे नबी ने आजादी की थी वो जनाब सुलेमान है 90 मील च तख्त है 90 मीली 90 ई 90 ई 90 ई 90 मील मुरब्बा इवें च समझो बहावलपुर तो मुल्तान तक ये तख्त है चारे पासे उन तख्त दे उते हर शय है दुनिया दी सहूलत है उन दे उते समझो जन्नत है खावन पीवन दे चीजा है वत ओ जेड़ा तख्त है ओ कोई इंजन नाल नहीं चलदा ओई मुफ्त हवा क्वादन उड़ा हवा उड़ें दी है जो वत हवा क्वादन थोड़ा ऊंचा कर ऊंचा कर ले वत हवा को आके ना हुन झिक्का कर ओ वाला झिक्का करे आज ए हवा को आके ना होने थई ऐ बस हूँ इतना तख्त को रख जा हवा उत बोलो रख छोड़े नहीं मैं भुला ना मैं थोड़े मुंह खड़ा ले ना ए, ए, उड़ा उड़ा हूँ जिक्का कर जिक्का इतना हूँ बराबर चल बराबर हूँ इतना रख जा वो हवा उत रख छोड़े दी जै बंदे की निगाह मेरे पास है मैं मौला दे पाक मेंबर की कसम है अज नहीं तक कहीं बंदे नहीं आका जो सुलेमान की इतनी ताकत की है पावर की है तख्त इतना उड़ाइंदा कि में आई मैं मौला की कसम है जैंदा उंदी मुंदरी ते ना लिखो है उको अली याद है उको मने दे अली नाल दुश्मनी आई मेहरबानी है इंतजार खत्म भाई तवज्जो है कना नहीं यकीन आले दी जिंदगी बेहतर है यकीन आला पुरसकून है बल्कि यो फरमान तो सुनावा तो मेरी पूरी तकरीर का निचोड़ फरमान बन गए थी मेरे मौला फरमाते खुशी दी जिंदगी गुजारना चाहते हैं अली अलैहि सलाम पे आदे डू गाल ही ते अमल कर एक तो शिकवा कह ना की कर शिको अल्लाह बड़ा परेशान थी ना बेशरम थी वे शोदा वो जले बंदे सड़े ना ना भी हाँ मुंह ते करो चलो इन्हें फरमान दे विच फरमान याद आ गए बिया सुना रहे हाँ मेरा मौला अली पे फरमान दे मैं अली पे याद आप इन्हें सफाई करे ना देवे इजलास आदे में कोलम दी कसम है मैं बेगुनाह होते मैं फलां दी कसम मेरा मौला पे फरमाते हैं मैं अली पे याद आ सफाई ना देवे मौला क्यों ना देवा सफाई मेरा मौला फरमाते हैं जेड़ा दोस्त होंदा है वो सफाई मंगदा नहीं जेड़ा दुश्मन होंदा है वो मनेंदा नहीं तू कह कुड़े से मेहरबानी मेहरबानी से मेहरबानी से सुकून की जिंदगी गुजारना चाहते हैं जेड़ा पहला फरमान सुने पाया डू गाली थे अमल डू हजार डू लख ना सिर्फ डू गाली थे मुकई खड़ा भाई जान मेरे मौला पे फरमाने सिर्फ डू गाली थे अमल एक तो शिकवा कहना ना करे डू गाली एक शिकवा कहना ना करे ते बिया कहे ते उम्मीद ना रखें 14 दे सिवा परेशानी खत्म
तवज्जो है बाबा, सैयदा भी थोड़े तराजू मखदूम है कौन है थोड़ा टूरा कबूल फरमावे जे बिस्मिल्लाह। कायनात दे विच मैं आदराना अल्लाह 14 ते वालदैन, अल्लाह 14 ते माँ प्यू मर सकते हो, इन्हां दे उधार नहीं विला सकते। माँ प्यू का कितना मकाम है, मालिक फरमाते तू जितना फिट है ते बढ़िया इबादत करें दूर रकात नहीं, अली दा अल्लाह प्यार दे 100 चपाड़ अगर माँ प्यू नाराज भी मुंह तलक सी आ, कितना मकाम है बोलो इवे है। तो मैं इतना जुमला अदा करना, अगर माँ प्यो नाराज होए तो नमाज मुंह ते लगती, अगर अली नाराज होए तो चौदह दे एहसान इतने बाबा सा गिण नहीं सकते, अल्लाह दे एहसान कितने बोलो। मेरे ख्याल में लंबा पड़ गया, मेरा देखो तो मैं आका अल्लाह दे एहसान असा गिणना है, एक एक साहते उन्दे लखा एहसान है। चंद मेरे देखे मेरे को मौला दी कसम है अल्लाह दा एक एहसान इहो जे रहे ना सारे ते, जो सारी हजार साल दी होवे जिंदगी ते ओ गुजर वंजे सजदे च ते उथाई सजदे च मौत आ वंजे, ऊ एक नेमत दा सा शुक्र नहीं अदा कर सकदे जेड़ा ऊ सा को चौना दीते। इंतजार खत्म भाई, ताज शिफात खरीद है, मेरे मौला हुसैन ने यह है ताज शिफात, यह है उनका खर्चा। मालिक ये नहीं आखे जो कोई कौन खरीदे, मालिक फरमाया कोई खरीदे, यह है उनका खर्चा। ये चेक करो इन्हें ते दस्तखत करो, ये ताज गिनो, यह ताज शिफात बख्शिश अल्लाह ताला, ये खर्चा दे के जेड़ा सार ते रक्सी चा माशर दे मैदान चो जेंदे ही अक्सी में जन्नत भेज देसा। मेरे मौला अगर खरीदे तो थोड़े वास्ते नहीं है ताज शिफात, कहीं घर दे कोई मसला बन वे तो जो वड्डा होंगे वह आखद मैं जामिन, जो सरबराह होंगे वह आखद मैं जामिन, रोवो नहीं परेशान ना थियो मैं देसा जो चाहिए मैं देव। इवें नबियां दे सरदार इवें डिठे नहीं, अल्लाह सही खर्चा ढेर है, मैं ताज ना पैंदा पता नहीं केड़ा वड्डा है हुसैन अगे बाद क्या दे ना ना खर्चा जाने मैं जाना पा जी बिस्मिल्लाह। हुसैन डिठा ही भी नाना मैं डिठी खड़ा मेरा लाल खर्चा ढेर है नाना होवे पिया इवें हुसैन अलैहिस्सलाम डिठे खर्चे को देख क्या दे नाना थोड़ी जी देर करो ये जड़ा खर्चा देवना है मैं कल्या नहीं देवना, कोई मेरा भाईवाल भी है अजा लफ्ज़ भाईवाल है तेनू वैण है दस्तखत खर्चा भेड़ नाल भी नाने दे सिर ते ताज रख जी बिस्मिल्लाह मैं नौ कर जेको रोमंडियां दा शक्ल बना के दे जी बिस्मिल्लाह मैं नौ कर आवाज आंदी जी बिस्मिल्लाह मैं नौ कर आवाज आंदी भेण ना लई मैं जी बिस्मिल्लाह मैं नौ कर आवाज आंदी भेण ना लई दस्तखत कर दे एह ताज शिफात दा खर्चा बोलो। इवें एक ही तुसा भी फोन करें दे उसो थाने ते एस एच ओ को आदे भाई तुसा फोन करो फलां बंदे को छोड़ दो इवें ते वो को आदे सही थोड़ा तो सिर्फ फोन लगना है ते को कह क्या फोन लगना है ते को पता ही को नहीं जो जेड़ा फोन करें दा पेंदा लगना क्या क्या है जेड़ा एस एच ओ मेरे आखे ते बंदा छोड़े दे ना वो पता नहीं मेरे को केड़ी केड़ी फरमाइश करें दे पता नहीं मेरे को क्या क्या मंगता है मैं को नाह न करनी पोसी ताओ मेरे इशारे ते बंदा छोड़े सी ये जो ताज शिफा इशारा है ना एडा सौखा नहीं ये जो हुसैन दे नाने आखने ना ई कोई जन्नत ई कोई जन्नत इशारे दे उत्ते अली अकबर की जवानी लगी हुई
ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮੀਰ ਕਾਸਮ ਦੇ ਸਿਹਰੇ ਲੱਗੇ ਨੀ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਥੀ ਪਵਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਲੱਗੀ ਆਈ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਥੀ ਪਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹਾਏ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤਾਜ ਸ਼ਿਫਾਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਕਰਬਲਾ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਰੋਵਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜੰਨਤ ਭੇਜੋ ਰੋਵਣ ਵਾਲੇ ਕੋ ਜੰਨਤ ਭੇਜੋ ਮੈਂ ਕਮਾਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ 14 ਚੋਂ ਹਰ ਕਹਿ ਆਖਣੇ ਰੋਵਣ ਵਾਲਾ ਜੰਨਤ ਵੰਜੇ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਕੋ ਬਹਿ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਹਾਈ ਜੰਨਤ ਵੰਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਥੀ ਲਖਵਾਰੀ ਆਖਾਂ ਸੀ ਮੈਂ ਲਖਵਾਰੀ ਆਖਾਂ ਮੈਂ ਲਖਵਾਰੀ ਆਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹਾਏ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਸਦਕੇ ਤੀਵਾਂ ਤਾਜ ਸ਼ਿਫਾਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਾਇਨਾਤ ਕੋ ਬਚਾਵਣ ਵਾਲਾ ਹੁਸੈਨ ਹੁਸੈਨ ਕੋ ਬਚਾਵਣ ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਇਹ ਹਰ ਸ਼ਬ ਜੁਮਾ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਕਰਬਲਾ ਵੇਂਦੇ ਵੈਸੇ ਮੁਮਨੀਨ ਦਾ ਵੀ ਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਬ ਜੁਮਾ ਸਾਰੇ ਈ ਵਾਸਤੇ ਵੇਂਦੇ ਜੋ ਹਰ ਜੁਮੇ ਦੀ ਰਾਤ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਆਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਕੋਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆਦਮ ਤੋਂ ਗਿਣ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੁਸੈਨ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੁਸੈਨ ਤੇਰਾ ਅਹਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਆਵੇਂਦੇ ਨਾ ਉਹ ਵੇਲੇ ਵਤਾ ਦੇ ਨਾਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸ਼ਬੀਰ ਕਿੱਥੋਂ ਵੇਂਦੇ ਨਾਨਾ ਤੁਸਾਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਵੇਂਦਾ ਆਪਣੀ ਭੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਹਦਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਬਚਾਈ ਆਈ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਮੈਂ ਲਖਵਾਰੀ ਹੱਕ ਮੈਂ ਲਖਵਾਰੀ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹਾਏ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਸੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮੁਕਾ ਦੇ ਨਾ ਉਮਲ ਮਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਦਿਹਾੜ ਉਹਦੀ ਮਖਸੂਸੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦੇ ਈ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਲੀ ਅਬੀਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮੁਕਾ ਦੇਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹਾਏ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਪਰਦਾਦਾਰ ਹੈ ਮਲਿਕ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨਾ ਬਈ ਇੱਕ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਮਦੀਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਬਲਾ ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਰ ਗਾਲ ਨਾਲ ਗਾਲ ਨਾ ਕਰਾਂ ਬੈਠਾ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਕਰ ਹੁੰਦੇ ਅਸਾਂ ਸੁਚੇਂਦੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੁ ਜ਼ਾਕਰੀ ਆਦਮ ਵੀ ਜ਼ਾਕਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਾਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਚੇਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਸਹੀ ਇੱਕ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 6 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੀ 40 ਕਬਰ ਅਲੀ ਬਣਾਈ ਉਹ ਜੁਮਲੇ ਕੋ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰੋਂਦਾ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥਾਂ ਇੱਕ ਜਨਾਜ਼ਾ 40 ਕਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥਾਂ 72 ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਬਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਆਖਾਂ ਬਾਬਾ ਜਿੱਥਾਂ 40 ਕਬਰ ਹਈ ਉੱਥਾਂ ਮਈਅਤ ਲੁਕੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਜਿੱਥਾਂ 72 ਜਨਾਜ਼ਾ ਹਈ ਉੱਥਾਂ ਅਧਿਐਨ ਦਫਨ ਨਹੀਂ ਥੀ ਵੰਡੇਂਦੇ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਥੀ ਪਵਾਂ 72 ਦੀ ਮਾਤਮਦਾਰ ਨੌਕਰ ਭਾਈ 72 ਦੀ ਮਾਤਮਦਾਰ ਇਹ ਉਹ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 3 ਦਫ਼ਾ ਘਰੋਂ ਟੁਰੀ ਕਿਤਨੇ ਦਫ਼ਾ 3 ਦਫ਼ਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਕੂਫੇ ਗਈ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਬਾਬੇ ਕੋ ਮਿਲਣ ਆਖਾਂ ਚਲਾ ਇਹਦੀ ਹਜਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਸਹਿਣ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਉੱਥਾਂ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਪਰਦਾ ਕਰੇਗੀ ਕੂਫੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਬਲਾ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਥੀ ਕੇ ਆ ਗਏ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਕੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਦਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਵੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਂਦਾ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਧੀ ਕੋਲ ਗਏ ਬੀਬੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਚਾਦਰ ਕੋ ਵਲਾ ਜੋੜਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਦੀ ਬਾਬਾ ਹੁਕਮ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਿਨ ਕੂਫੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਉਹ ਆਦਿਨ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਲੀਆ ਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਰਤ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪੂਰਾ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਵੰਜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਮਝ ਮਤਾਂ ਘਰ ਵੰਜ ਕੇ ਆਖੇ ਜੋ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇੰਜ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਛਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਾਦਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਪਰਦਾਦਾਰ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਆਖ ਸੱਯਦ ਆ ਬੀਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ ਗਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮੁਕਾ ਦੇਵਾਂ
जड़े बंदे मैं लड़े चाहे मैं मसाहिब पढ़ता खड़ा मसाहिब तेरे रूह की गिज़ा है अगर ते रोवना ना हो तू आवे ना ते कदा हांज नहीं आती तो परेशान न थी कर कहें जनाजे ते जरा लोग वेंदन इथाई किथाई कोई जनाजा कहें हो सारे रोंद खड़े होने नहीं सही कई वेंड करेंद कोई चीखा मार के रोंद जेड़े चुप करके भी खड़े रावे ना मालिक के मताम उन्हें राजी थे दया जाए आए तहीन हुसैन की अम्मा थोड़े ते राजी है तुस फूड़ी ते आए तो बैठे हो सैयदा बीबी तो को दुआ दे दिए ही तो उते देखो क्या चाहिदा है जी बी सुला मैं नौकर में लखवारी आखा जी बाबा मैं नौकर में लखवारी जवानी नसीब होवी बस इंतजार खत्म पहली दफा कूफे दूजी दफा ठावी रजब को टुरी त्रीजी दफा टुरी तवली ना आ खड़ी है दमश्क दे बारू दमश्क दे बारू आ के मेरी सहन मैं कुमौला दे पाक मेंबर दी कसम दमश्क दे बारू मेरे लिखे चंद दमश्क दे बारू मेरी सहन आके डिठा इतना रिवायत ढेर होंगे रोवन वाला नहीं पुछते जो कितों पढ़े जिन्हों को विचों को भी आ मसला होवे उहे पुछते मैं रिवायत घट ही पढ़ी है बहु घट पढ़ी हाथ बन के पढ़ना चाह के भला सही ये सब पढ़ दे ना जो सांगा को खड़ाया ने दरख्तों के नाल ए मैं को मौला दे पाक मिंबर दी कसम है एक रिवायत च इवें मिलता है जो ये इना सिर्फ सांगा नहीं खड़ाइया सांगा तो सर लहा के दरख्तों नाल बन छोड़ेंगे बीबी आदि वो दरख्त देखा जिंदे नाल मेरे हुसैन दा सर है जी बाबा नौकर से मैं नौकर दई टुरी मैं जवानी जिंदगी ते राजी हूं सैयदा भी तेरे ते राजी हूं देखो दरख्त खड़े या नहीं मैं लखवारी आका वो दरख्त खड़े या मुसलमान कट छोड़े ये चलो आखा चा ये दरख्त केड़ा आई तफसील नाल मौला जी कसम तफसील नाल मजमून कदा पढ़ी दे ही नहीं ये दरख्त आई सरी दा तगर एक अरबी तगर आदल सरीं दा दरख्त सरीं दा दरख्त लिखा वे एक वत लिखा है ये जदा जून दा मौसम जून आठ बजे भी गर्मी होंगी लेकिन इधर पत्ते मुरझांदे नहीं ये सरीं दे दरख्त को वत लिख गिने जदा हुसैन दी शहादत दा वेला थींदा है ना ये सरीं दे पत्ते मुरझावे ने तू केड़ी गल दा मान करें दे जो मैं रोंदा तू तो मोमन मां दी गोद विच पले तू किवें ना रोसे हुसैन ओ गरीब है जेको दरख्त ही रोंदे ने जेको चरींद परींद रोंदे ने मिंबर दी कसम है नहीं रुन्नी तो हिका भेण जड़ी आदी आई मैं को रोवण दे ओ मेरा घर लुटा गए जी भी सलाम मैं नो कर आवने इंतजार खत्म मातमी आजादा रहो दई टुड़ी दरख्त दे कोल आई दरख्त को देख के मेरी सहन बांधी बांधी बह गई औखी टुरी वत वापस वाली बिस्मिल्लाह आदि बीबी हबा दी शादा दी पेदी बीबी वो दरख्त खड़े उन्हें लड़ियां चो खून बांधा पे सफेद रंग दे पक्की तेरे भेरा कुरोंदे पे ते बीबी जड़ी ई को लुकी गाले उन दरख्त दे नाल ही कोई काले बुरके वाली बीबी है जड़ी मुंह रोंदी बैठी है आवाज़ दी अम्मा मैं को सहारा दे मैं उनका शुक्रिया अदा करा क्योंकि रोवण वाला तो शुक्रिया अदा करें दिया मेरी सहन ओ कदा ई गल को ना सोचा कर जो मेरी इज्जत कितनी है ई तो वड्डी इज्जत तेरी क्या हो सकती है जो इत्था बह के तू आखे हाय पर्दे दे अंदर हुसैन दी अम्मा के मेहरबानी मेरे गरीब को पिया रोने तेरे शुक्रिया अदा पई करें दिया जी बिस्मिल्लाह मैं नौकर में लखवारी अकर जी बिस्मिल्लाह मैं नौकर लखवारी वाला तू आदे हाय बीबी आदे तेरी मेहरबानी मेरे हुसैन को पिया रोंदे गैरत आले हो बीबी आइए पर्दादार बीबी आदे चेहरे तो नकाब हटा चेहरे तो नकाब हटे बीबी डिठे बीबी आदे मैं डिठे तो मेरी अम्मा बदूर अगली गल सही बीबी आदि मैं डिठे मेरी माँ दे चेहरे ते सारा खून है मैं क्या मैं खून की है बीबी आदि हुसैन दे
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਮਰ ਜ਼ਰਾ ਮਰੇਂਦਾ ਮੈਂ ਗੁਹਾਤ ਕਰੇਂਦੀ ਹਾਂ ਆਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਮੈਂ ਚੱਕੀਆਂ ਪੀ ਪੀ ਔਖਾ ਬੋਲੇਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹਾਏ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਦੁਆ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਵਹਿਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਾਤਮੀ ਆਜ਼ਾਦਾ ਰਹੋ ਦੱਸ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਉੱਠੀਏ ਇਵੇਂ ਦਰਖਤ ਕੁਹਾਨ ਨਾ ਲਾਏ ਦਰਖਤ ਕੁਹਾਨ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਯਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭੇਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਿਖਾ ਤੂੰ ਜਿਹਦਾ ਭੇਰਾ ਮਰੇ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੇਣੀ ਪਰਦਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਵਾਹ ਪਾ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਭੇਣ ਏਡੀ ਗਰੀਬ ਆਈ ਜੋ ਅਲੀ ਦੀ ਦੇਹੀ ਦਰਖਤ ਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਦਰਖਤ ਕੋ ਗੱਲ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਸੈਨ ਮੈਂ ਅਜਾ ਚੋਖਾ ਜੀਵਣਾ ਜਦ ਆਖੇ ਨਾ ਚੋਖਾ ਜੀਵਣਾ ਮਾਤਮੀ ਆਜ਼ਾਦਾ ਰਹੋ ਚੋਖਾ ਜੀਵਣਾ ਇਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ੇ ਹੁਸੈਨ ਬੀਬੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਕੱਛੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਜੁਮਲਾ 'ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਜੁਮਲੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਲਓ ਸਖ਼ਤ ਪੜ੍ਹ ਸੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਤਮ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੁਮਲਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੁਅੱਸਰ ਨਾ ਰਹਾ ਸੀ ਅਦਬ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਕੋ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਰੋਂਦੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਅਦਬ ਵਾਲੇ ਜੁਮਲੇ ਕੋ ਲੋਕ ਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹ ਹੋਵੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਪੜ੍ਹਾ ਆਈ ਹੁਣ ਵੀ ਰੋ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇੰਝ ਪੜ੍ਹਾ ਆਈ ਕਿਤਨਾ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਬੋਲੋ ਇਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕੱਚੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਾਕਰ ਵੀ ਇਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੱਚੀ ਵਾਲੇ ਸੁਣਦੇ ਇਵੇਂ ਹੈ ਬੀਬੀ ਆਖੇ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕਾਨ ਮਿਲੀ ਅਸ ਜਾਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੋ ਸਮਝਾਇਓ ਤਾਂ ਵਹਿਣ ਕੀਤਾ ਦਈਆ ਗੱਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੀ ਸੱਜਾਦ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਆਈ ਜੇ ਕੋਈ ਜਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬੀਬੀ ਦੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਮਜ਼ਾਨ ਬਾਬੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਸੱਜਾਦ ਜਲਦੀ ਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਈ ਮੇਰਾ ਇਮਾਮ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਦੇ ਅੱਜ ਮਦੀਨਾ ਹੋਵੇ ਆ ਤੇਰੇ ਮਰਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੋਵੇ ਜੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਆਖਾਂ ਮੌਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਆਖਰ ਜੁਮਲਾ ਪੜ ਗਿਲਾ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਕਦਈ ਨਰੋਏ ਕਿਉਂ ਦਰੋ ਲੈ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਆਖਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡਾਡੀ ਦੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਦੀਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਕੋ ਗੁਸਲ ਦਿਓ ਨੂਰੀ ਕਨਾਤ ਲੱਗ ਗਈ ਗੁਸਲ ਦੇਵਣ ਵਾਲੀ ਜਨਾਬੇ ਫਿਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਸਜਾਦ ਇਵੇਂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕੰਡ ਕਰਕੇ ਆਦੇ ਡਾਲੀ ਪਾਣੀ ਆਈ ਜਨਾਬੇ ਫਿਜ਼ਾ ਚੀਖ ਮਾਰ ਕੇ ਮਹਿਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਜੇ ਸਜਾਦ ਮੰਗ ਦੁਆ ਮੈਂ ਮਰ ਵਲਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਡਾਡੀ ਰੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਜਾਦ ਧੀਆਂ ਦੁਖੀਆਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਵਾਂ ਕੋ ਨਸੇ ਦੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਘਿਣ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਦ ਹੀ ਪੁੱਛਾ ਮੈਂ ਕੋ ਆਉਂਦੀ ਅੰਮਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੀ ਕਾਂਡ ਬਹੁ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਆਦੀ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਸਜਾਦ ਵਜੇਂਦੀ ਰਹੀ ਆਦੀ ਰਹੀ ਨਾ ਮਾਰਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਬਚ ਗਈ ਏ ਓ ਮੈਂ ਕੋ ਹੁਸੈਨ ਦਾਈ ਮੇਰੀ ਨਸਲ ਦੀ ਦਾ ਮੇਲੇ ਜੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਆਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹਾਏ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨੌਕਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਆ ਦੀ ਆਈ ਮੇਰਾ ਸਰ ਜ਼ਖਮੀ ਓ ਮੈਂ ਕੁਆ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੀ ਕੰਡ ਬਹੁ ਜ਼ਖਮੀ ਰੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਸਜਾਦ ਵਜੇਂਦੀ ਰਹੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਅੱਖ ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਆਈ ਮੌਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਬੀਬੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੈਰਤ ਵਾਲਿਓ ਗੁਸਲ ਔਖੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਗੁਸਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਫਾਨ
कफन होंदा है। हुण मैं को जवाब रियो जदा धीया मर वंजन कफन कौन दे देन कबर पे के दे देन दैया दी सजाद 18 भेरावां दी भेड़ दा कफन मैं दाई मां मिट्टी ते बह गए पुरानी अबाल आई अदे कबर पवा मैं कुछ शाम खा गई वी आज मदीना हो गया मैं सोना कबर पवा आयो मेरी जख्मी अम्मा मेरी दुखी अम्मा कर गिनो बहन जी बाबा मैं नौ कर मेला कुआरिया का मस्कन खत्म हम जड़े बंदे रोंदे पे हो रुकी वास्ते गिया अगला वहन औखा है केड़ा बंदे जड़ा वहन करके न रोवे ये मेरा जुमला नहीं उन्हां दा नां चैंदरा दा अली नासिर हुसैनी तलियाड़ा ओ पे फरमेंदे हैं जदों कोई मर्द शादी ते वञे इक्को लिबास पा के वेंदे उहीं दे नाल वलांदा है जदा औरत वेंदियां नी इक लिबास नहीं उतां कई कई लिबास बदल दिए कदा सोचा ही वे जो इतने लिबास बदल दिया क्यों है लोगा को डजेंदिए साडे पे कई वसदे साडे सावरे वसदे दैया दी अली बादशाह दी धी दू साल ही कोलीबा कादिए मैं मर वन्या बीबी दे दुख ने जद ही कोई मातम करे थोड़ा हक है तुसा हाथ न पो जाकिर दा हक नहीं जो महक ते शोर मचावे थोड़ा हक बनदे कोई मातम करे पहले तो को मातम करन नी ता करो अगर बेतहाशा करे तो वत हाथ न पकिदे करो खुश नसीब होंदे जेड़ा मातमी होंदे ओ खुश नसीब होंदे जेंदे कोई हाथ न पकिले करबला शाम तक अली दी धी महमल दे पावे ते मथा मारिया मेरा इमाम आखिया अम्मा मेरे हाथ बदे होए नी ओ अम्मा मैं तेरे हाथ की बिगड़े ओ अम्मा जाल जाल रो शाम वजड़ई यार राजी रवे सही राजी जी जनाजा तैयार हो गया जड़े बंदे आए करके रोंदे पे हो मैं को मौला दे पाक मिंबर दी कसम सारे मिलन वास्ते आए जदा बाबा अली आए हकल मार के दे कफन दे बंद खोल मैं कोई धी नाल गल करनी है अली मौला फरमाए तेरे ते दुख इतने हैं मैं तेरे कोलो पूछ ना सकदा मैनू सिर्फ हिक्के दुख दा जवाब दे तेरे गाजी वीर दी जिंदगी तेरा फलक ने वेखिया सायाद मैं सिकदा तुरिया दुनिया तै मैदे नालिया लायाद की मैं बोलिए नाल शराबी हुण मेरे पास देखे इथे ही मुखेंदा पिया जवानी नसीब होई जदा पियू मिले धी दे सर ते हाथ रखदा है इनू मौदा मौदा अली एज कर सारे
हाथ रख के हाथ जाग दे मेरे मौला डिठे जो हाथ ते खून है मेरा मौला फरमेंदे खून की है हकल मार के दिए बाबा क्या दसावा हाथ ला नहीं सकता चादर को उसने दे नाल लाई लथे बुरके चुवठ बतूला